यह कहानी उन दिनों की है जब भारतवर्ष में औरंगजेब के अत्याचारों से हाहाकार मचा हुआ था और दक्षिण भारत में महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल साम्राज्य के इस अत्याचार को खत्म करने की कसम खा रखी थी। शिवाजी के मन में बचपन से ही ये बात बैठ गई थी कि ये दूसरे देशों से आए हुए लोग हम भारतीयों पर शासन नहीं चला सकते। बचपन से ही वीर शिवाजी ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रखा था और सिर्फ सोचा ही नहीं था बल्कि इसकी तैयारी भी उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दी थी। अपनी बाल अवस्था में ही उन्होंने अपनी उम्र के मराठा बच्चों में देश के लिए मर मिटने और देश प्रेम की भावना जगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि मुगल साम्राज्य जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए मराठाओं में समर्पण भावना का होना जरूरी है। जब शिवाजी जवान हुए तो उन्होंने अपनी छोटी सी मराठा सेना के साथ मुगलों के कई किलों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत के कई मौकों पर उन्हें असफलता ही हाथ लगती थी। ऐसे ही एक बार उन्होंने आदिल शाह के एक किले पर हमला बोला, लेकिन छोटी सी सेना होने के कारण वे ज़्यादा देर तक टिक ना सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने के दौरान उनकी सेना तितर बितर हो गई और शिवाजी भी अपनी सेना से बिछुड़ कर एक ऐसे सुनसान स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ उन्हें दूर दूर तक ना तो कोई बस्ती दिखाई दे रही थी और ना ही कोई घर। शाम का समय था, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। अंधेरे में कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें कुछ दूरी पर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उस दीपक की रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वे उस दीपक वाले घर के सामने जाकर खड़े हो गए। दरवाजे को खटखटाने के कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। शिवाजी ने उन्हें प्रणाम किया और पानी पीने के लिए मांगा। बूढ़ी औरत ने कुछ देर तक तो सोचा, लेकिन फिर शिवाजी को घर के अंदर बुला लिया। उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। शिवाजी गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर चटाई पर आराम से बैठ गए। बूढ़ी औरत ने पीने के लिए शीतल जल दिया और साथ ही उस बूढ़ी औरत ने यह भी भांप लिया कि यह इंसान बहुत थका हुआ है और बहुत भूखा भी है। उन्होंने शिवाजी को कुछ देर और बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत एक थाली पर खीर परोस कर लाई। बूढ़ी औरत के थाली नीचे रखते ही भूख के मारे शिवाजी ने सीधे थाली के बीच में से खीर उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। खीर मुंह में डालते ही उन्होंने अरे माँ कहकर खीर मुंह से नीचे उगल दी और अपनी उंगली चटकने लगे। खीर बहुत गर्म थी जिसके कारण उनकी जीभ और उंगली थोड़े से जल गए थे। यह सब देखकर वह बूढ़ी औरत हंसी और फिर बोली, तू भी शिवा जैसे स्वभाव का मालूम पड़ता है, उसके जैसे ही हरकतें कर रहा है। यह सुन शिवाजी चौंक गए। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आपने शिवा से मेरी तुलना किस आधार पर की? शिवा की ऐसी कौन सी हरकतें हैं? बूढ़ी औरत बोली, जिस प्रकार शिवा सबसे पहले आसपास के छोटे छोटे किले ना जीतकर सीधे ही बड़े बड़े और शक्तिशाली किलों को जीतने का उतावलापन और जल्दबाजी करता है, वैसे ही तूने भी किनारे किनारे के ठंडी खीर खाना शुरू ना करके सीधे ही बीच की गर्म खीर को खा लिया और अपनी जीभ व हाथ चला बैठा। बेटा उतावलापन और जल्दबाजी से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। मनुष्य को किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही सावधानी और धैर्य के साथ एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। उतावले होकर बड़े बड़े कदम बढ़ाने और निर्णय लेने से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शिवाजी ने पूछा, माँ तो फिर शिवा को क्या करना चाहिए? उस बूढ़ी औरत ने कहा, जिस दिन शिवा छोटे छोटे किलों से अपना विजय अभियान आरंभ करेगा उस दिन से उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह अपने स्वराज्य के लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लेगा। शिवाजी ने उस बूढ़ी औरत की सीख गांठ बांध ली और फिर उसके बाद उन्होंने छोटे किलों पर हमला करना शुरू किया। और फिर इस बात का तो इतिहास गवाह है कि एक दिन शिवाजी की नीतियों पर चलते हुए मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था और एक बार के लिए पूरे भारतवर्ष में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माँ के उन वीर और महान सुपुत्रों में से एक थे जिनके नाम उंगलियों में गिने जा सकते हैं। शिवाजी जैसे वीर और महान दूरदृष्टा लीडर सदियों में एक बार ही आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो धैर्यवान व्यक्ति सोच समझ कर और दृढ़तापूर्वक धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति छलांग मार कर जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उतावलापन दिखाते हैं
वो लक्ष्य तो पाते नहीं पर समाज में हंसी का पात्र जरूर बन जाते हैं।